वेलकम फ्रेंड्स। खजाना और खजाने की बातें दोनों ही इंसानों को सदियों से आकर्षित करती आई हैं, क्योंकि इसमें रहस्य और रोमांच के साथ साथ अचानक अमीर बनने के पूरे चांस होते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं दुनिया के सबसे बड़े रहस्यमय खजानों के बारे में, जिन्हें खोजने के चक्कर में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। एल्डोराडो का खजाना। एल्डोराडो एक ऐसा खजाना माना जाता है जिसे पाने के चक्कर में एक तो नहीं बल्कि हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कहा जाता है कि यह खजाना कंबोडिया की गुआटावटी झील में दफन है। इसकी पूरी ही तली में सोना ही सोना फैला हुआ है। सैकड़ों साल पहले भगवान सूर्य की आराधना करते हुए यहाँ के आदिवासी हजारों किलो सोना झील में फेंकते थे। सैकड़ों सालों के दौरान झील की पूरी ही तली में सोना ही सोना इकट्ठा हो चुका है। काहुएंग दर्रा का खजाना। इस खजाने का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। सन 1864 में मेक्सिको के राष्ट्रपति बेनिटो ने अपने कुछ सैनिकों के साथ खजाने को सैन फ्रांसिस्को भेजा था, लेकिन बीच रास्ते में ही गड़बड़ हो गई और एक सैनिक की मौत हो गई। बाकी तीन सैनिकों ने खजाने को बीच रास्ते में ही गाड़ दिया। ऐसा करते हुए उन्हें एक व्यक्ति डेगो मोरेना ने देख लिया और खजाना निकाल कर पासी की पहाड़ी में गाड़ दिया। उसी रात मोरेनो की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने यह राज अपने दोस्त को बता दिया था। 1885 में बास्क सेफर्ड नाम के व्यक्ति को खजाने का बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा मिला। वह इस खजाने को स्पेन ले जा रहा था, लेकिन तभी खजाना रास्ते में डूब गया और फिर यह कभी किसी के हाथ नहीं लगा। इंका सभ्यता का महान खजाना। कहा जाता है जितना खजाना अमेरिकी बैंक के पास नहीं है, उससे कहीं ज्यादा खजाना इंका लोगों के पास था, जिसे इन्होंने 400 साल पहले स्पेनिश लुटेरे फ्रांसिस्को पिजारो से बचाने के लिए एक ज्वालामुखी की तलहटी में डाल दिया और इसकी तलाश में ना जाने कितने लोग मारे गए, लेकिन आज तक यह खजाना किसी के भी हाथ नहीं लगा। ओक आइलैंड के गड्ढे। 1795 में नोवा स्कोटिया के पास ओक आइलैंड में कुछ बच्चों को अजीब रोशनियाँ दिखीं और जब बच्चे वहाँ पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक ताजा खुदा हुआ गड्ढा दिखा। जब बच्चों ने वहाँ और खुदाई की तो उन्हें लकड़ी, नारियल के खोल और एक पत्थर मिला जिस पर लिखा हुआ था 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दफन है। बाद में वहाँ खुदाई की गई लेकिन पैसा तो नहीं मिला, लेकिन इस दौरान 6 लोगों की जान चली गई। द अम्बेर रूम। द अम्बेर रूम सोने का बना एक कमरा नुमा चैम्बर था जिसका निर्माण 1707 में पर्सिया में हुआ था। तांबेर रूम के अंदर पूरा काम सोने का था। इसे कुछ लोग विश्व का आठवां अजूबा भी कहते थे। म्यूजियम के संरक्षक अल्फ्रेड रोड और उनकी पत्नी की मौत हो जाती है और वह डॉक्टर गायब हो जाता है जिसने उनके डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किए हुए थे। इस रूम से जुड़े हुए रूसी जनरल कुसेव की रहस्यमय तरीके से कार दुर्घटना में मौत हो जाती है। तांबेर रूम को खोजने वाले चार्ल्स स्टेन की भी मौत हो जाती है और उनका शव जंगल में मिलता है। चंगेज खान का श्रापित खजाना। चंगेज खान मंगोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और महान योद्धा था। उसने उस समय के ज्ञात लगभग पूरे विश्व पर अपनी विजय पताका फहराई और जब 1227 में उसकी मौत हुई तो उसे एक अज्ञात मकबरे में छुपाया गया जिसमें उस समय के सबसे महान योद्धा के साथ उसका अथाह बेशकीमती खजाना भी रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस खजाने की खोज में गया वो कभी लौट कर वापस नहीं आया। अपाचे प्रजाति के लोगों का खजाना। इस खजाने की सच्चाई पर किसी को शक नहीं है। इस खजाने के बारे में कहा जाता है कि एक बार अपाचे लोगों ने सोने और चांदी के सिक्कों से भरी हुई ट्रेन पर धावा बोल दिया और उसे लूट लिया, जिसे बाद में एरिजोना में विंचेस्टर माउंटेन में कहीं पर छुपा दिया। खजाने के बारे में कहा जाता है कि अपाचे लोगों ने इसे ऐसा श्राप दे रखा है कि जो भी इसे ढूंढेगा वह मारा जाएगा। लियोन त्रबुको का श्रापित खजाना। साल 1930 में अमेरिका में मंदी का दौर चल रहा था। अमेरिकन सरकार को सोने की सख्त जरूरत थी। इसी समय खरबपति व्यापारी लियोन त्रबुको ने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान के ऊपर कई रहस्यमय उड़ानें भरी। इस खरबपति व्यापारी ने अपने कई मित्रों के साथ मिलकर अवैध सोने का भंडार इकट्ठा कर लिया और उसने इस स्वर्ण भंडार को इस रेगिस्तान में ही कहीं पर छुपा दिया जो करीब 16 टन का था। अन्य खजानों की तरह इसमें भी सभी पार्टनर्स की एक एक करके मौत हो गई और अंत में लियोन त्रबुको की भी मौत हो गई, जिसके बाद ना तो इनके मौत की वजह पता चली और ना ही खजाने के बारे में कुछ पता चला। द लास्ट डचमैन माइन।
यह सोने की खदान अमेरिका के साउथ वेस्टर्न इलाके में है। अपाचे जनजाति के लोगों के बीच यह मान्यता है कि उनका देवता किसी को भी इस खजाने के पास नहीं आने देता। स्पेन के फ्रांसिस्को वास्क डी कोरोनाडो ने जब इस खदान को खोदने की कोशिश की तो एक एक करके उसके सभी साथियों की मौत होने लगी और अंत में लाशों के ढेर लग गए। 1885 में यहाँ के डॉन पेराल्ट को कुछ सोना मिला, लेकिन स्थानीय अपाचे आदिवासियों ने उनकी हत्या कर दी और सोने को पूरी ही जगह में फैला दिया और खदान का प्रवेश द्वार नष्ट कर दिया। 2009 में इस खदान की खोज में डेनेवर निवासी जेस कैपेन ने अभियान छेड़ा, लेकिन उसके सभी साथियों की मौत हो गई और अंत में उसका भी शव मिला। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। चार्ल्स आइलैंड का खजाना। अमेरिका में मिलफोर्ड के पास एक छोटा सा टापू है। इस टापू को श्रापित माना जाता है। मैक्सिको के सम्राट गुआचा मोजिन का धन 1721 में चोरी हो गया था। उस पूरे खजाने को यहाँ पर मल्लाहों ने छुपा दिया। 1850 में जब कुछ लोग यहाँ पर खजाने की तलाश में आए तो सिर्फ उनका शव मिला, पर खजाना किसी को नहीं मिल सका।